नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10T वर्सेस Nokia G20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10T में 6.37 इंच जबकि Nokia G20 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10T में 2.96 इंच जबकि Nokia G20 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10T में 0.35 इंच जबकि Nokia G20 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10T से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10T में 190 ग्राम जबकि Nokia G20 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10T में 1080x2400 और Nokia G20 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10T में 83.72% जबकि Nokia G20 में 81.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nokia G20 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10T में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nokia G20 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10T में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nokia G20 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nokia G20 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10T में Mali G57 MC2 जबकि Nokia G20 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT 6833 और Nokia G20 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Nokia G20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nokia G20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10T में अप टू 1TB जबकि Nokia G20 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10T में 5000 mAh जबकि Nokia G20 में 5050 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10T में 4 कलर्स जबकि Nokia G20 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Redmi Note 10T में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Nokia G20 की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10T में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Nokia G20 की, तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10T आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 30 Pro है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 35G है जो कि 15,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।